नमस्कार, केसीएन टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं एक्सक्लूसिव और ताजा खबर पर एक नजर। भ्रष्टाचार को लेकर युवा नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह डंपी सिंह जिलाधिकारी से की मुलाकात। आइए सुनते हैं क्या है मामला। क्या नाम आपका, कहां के रहने वाले हैं? शैलेंद्र सिंह, ग्राम सभा भव सिंहपुर, विकास खंड संग्रामपुर, जनपद अमेठी। अभी आपने जिलाधिकारी महोदय को कोई प्रार्थना पत्र दिया है, क्या क्या है उसका कारण? ग्राम सभा भव सिंहपुर में प्रदेश स्तर पर भारी वित्तीय अनियमितता और भारी घोटाला किया गया है। 50 लाख रुपए हैंडपम्प रिबोर मरम्मत के नाम पर कागज पर बिलवाउचर बनाकर फर्जी तरीके से खारिज किया गया है। 50 लाख रुपए स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट पर खारिज किया गया है। यहाँ तक कि जगत जननी अमृत कुंडवासिनी देवी जी का परिक्षेत्र कालिका माँ का मंदिर है, उनको भी नहीं बख्शा गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 14 फरवरी 2020 को जन्मदिन था। अमेठी नरेश डॉक्टर संजय सिंह आकर झाड़ू लगाए थे, साफ सफाई किए थे। झाड़ू के नाम पर 49,668 रुपए का भुगतान कर लिया गया। यहाँ तक कि 3,75,000 लगभग 3,75,000 रुपया डस्टबिन पर खारिज किया गया। पूरे क्षेत्र में एक भी डस्टबिन नहीं रखी गई है। लाइट के नाम पर 50 लाख रुपए का भुगतान किया गया। पूरा क्षेत्र अंधेरे में है, जिस पर डीएम साहब का रोक था 15 सितंबर 2016 को। उसके बावजूद भी मनमाने ढंग से प्रधान द्वारा लाइट पर पैसा खारिज कर लिया गया। आपने जो शिकायत की, इस पे जिलाधिकारी महोदय ने क्या आपको आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा कि मैं टीम गठित कर जांच करवा रहा हूं, जांच करवाने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई और एक्सक्लूसिव खबर लेकर। आप बने रहें केसीएन टीवी के साथ, हम बने रहेंगे आपके साथ।